हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, शाम का समय है, शाम का करीब 5 बज रहा है और मैं जा रही हूँ गुजिया बनाने। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ और देख रही हूँ क्या क्या हस्बैंड जी लेकर आए हैं। तो ये देखिए, नारियल है, मतलब नारियल का लच्छा और किशमिश और थोड़े से छुहारे हैं और मैदा है। यही सब है जो गुजिया में पड़ते हैं। तो सब मैं इकट्ठा करके रख लूँगी, फिर तैयारी करूँगी। तो आप लोग भी देखते जाइए किस तरीके से मैं करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सूजी है और इसे मैं भून लूँगी। सूजी को हमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन भून लेना है और इसी में हम ड्राई फ्रूट भी भूनेंगे। भुने हुए ड्राई फ्रूट मिक्स करके बनाओ तो बहुत ही टेस्टी गुजिया बनता है। तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। पहले मैं सूजी भून लूँगी, उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट भूनूँगी। तो ये देखिए, सूजी हमारी भुना चुकी है, इसको हमने निकाल लिया है एक बर्तन में। अब इसी बर्तन में हम ड्राई फ्रूट भी भून लेंगे। तो ये देखिए, हमने ड्राई फ्रूट भी डाल दिया है, इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम मावा डाल करके थोड़ा सा पिघला लेंगे और साथ में ही शक्कर डाल देंगे। अगर आप चाहें तो शक्कर पीस कर भी डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनता है। और एक बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है गुजिए की रेसिपी, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और ये देखिए, मैं इसमें छोटी इलायची डाल रही हूँ। छोटी इलायची आप चाहे तो कूट कर भी डाल सकते हैं, मैं ऐसे ही डाल दूँगी। और ये देखिए, हमने मावा भी इसमें डाल दिया है और इसी में अब चीनी भी डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसे करछी से फोड़ के थोड़ा सा मिला लेंगे। उसके बाद इसे हम उतार कर नीचे रख लेंगे, फिर हाथों से मैश करेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा ही मिलाएंगे, गैस भी बंद कर दिया। अब मैं इसे रख दूँगी ठंडा होने के लिए, फिर हाथों से इसे मैश करूँगी। और उसके बाद मैं तैयारी करूँगी मैदा सानने की, मतलब मैदा गूँथने की। तो चलिए मैदा भी गूँथ लेते हैं, किस तरीके से गूँथना है आप भी देख लीजिए। सबसे पहले हम मैदा को छान लेंगे, क्योंकि बरसात का समय है तो छानना ज़रूरी है। तो इसे हम छान लेंगे एक बर्तन में। ये 1 kg मैदा है। तो मैदा हमने छान लिया है, अब हम इसे मोयन करेंगे। तो देखिए, हमने इसमें डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल करीब हमने इसमें 100 ग्राम जितना डाला है और इसे अच्छे से अब हम मैश करेंगे। और इतना मैश करेंगे कि ये आटा जो है मुट्ठी बन जाए। तो देखते जाइए किस तरीके से करेंगे। तो परफेक्ट वही है, जब ये अच्छे से मुट्ठी बनने लगे तो समझिए ये बहुत ही परफेक्ट मोयन हो चुका है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी किस तरीके से मोयन करती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये मुट्ठी बनने लगी है, तो समझिए ये मोयन हो चुकी है। फिर चाहे आप इसे गर्म पानी से या ठंडे पानी से इसे गूँथिए, हम इसे ठंडे पानी से गूँथ रहे हैं और थोड़ा थोड़ा ही पानी कर डालेंगे ताकि ये अच्छे से गीला ना हो और एकदम परफेक्ट डो तैयार हो। तो ये देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेकर ही गूँथ रही हूँ।
तो मैदा हमने गूँथ लिया है। अब मैं नीचे बैठकर ही इसे बेलूंगी और भरूंगी, क्योंकि ऊपर बैठकर मैं ऊपर मतलब खड़ी होकर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि खड़े खड़े कमर दुखने लगेगी। तो ये सब काम नीचे बैठकर ही करने में थोड़ा आरामदायक होता है। और इधर देखिए मेरी सासू माँ बेल रही हैं, और थोड़ा सा चीनी हमें कम लग रहा था तो थोड़ा सा चीनी हमने और डाल दिया है। और अभी मैं सासू माँ बेलेंगी और मैं जल्दी जल्दी भरूंगी, तो थोड़ा सा पानी भी लेकर बैठ गई हूँ। और ये देखिए पूड़ियाँ हमारी सासू माँ जो है छोटे छोटे बेल रही हैं, तो मैं बोल रही हूँ थोड़ा और बड़ा बेलो, क्योंकि इसमें छोटा आ रहा था। तो अभी मैं उनको बेलकर भी बताऊंगी कि इस तरीके से बेलिए। तो ऐसे कामों में दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये सब काम अकेले से नहीं बनता है और इस काम में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगती है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें बेल लेना है, और दो चार में बेल कर रखूँगी फिर भरूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स सारा गुजिया हमने भर लिया, उसके बाद ही मैं फ्राई कर रही हूँ। तो इसे हमें बहुत मतलब मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो ये देखिए मैं एक एक करके डाल दूँगी और इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी। फिर हम इसे थोड़ी देर बाद उलट पलट देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए ये फ्राई हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे ही हमें निकालना है, थोड़ा सा ही ब्राउन ब्राउन करके इस तरीके से। और फ्रेंड्स सारा गुजिया मैं फ्राई कर चुकी हूँ, बाकी जो मैदा बचा था उसका मैं सोहाल बना ली हुई हूँ खस्ता। तो ये देखिए खस्ता भी बना लूँगी, बच्चों को बहुत पसंद है ये सब चीज़ें, और ऐसे चीज़ों में मेहनत बहुत लगती है फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता है। ऐसे सामान जब बनाओ घर पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो बच्चों की वजह से सब कुछ करना पड़ता है। और ये सब बना के फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स एकदम से करारे करारे गुजिया, आप भी आइए खा लीजिए। और सोहाल